ह्यूमन डेड बॉडी पूरी तरह से डीकम्पोज होने के लिए एक मंथ लगता है और उसके बाद सिर्फ बोन्स ही बच जाते हैं। साथ ही स्केलेटन्स भी 20 सालों के बाद डीकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है 1984 में दो फील्ड वर्कर्स को एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी जो कि 2000 साल पुरानी थी। जी हाँ, ये डेड बॉडी उन्हें वेस्ट इंग्लैंड के वेट ग्राउंड पर मिली थी। इस वेट ग्राउंड को लिंडो ग्राउंड भी कहा जाता है और जिसकी वजह से उस डेड बॉडी का नाम लिंडो मैन रखा गया है। इस बॉडी पर रिसर्च करने के बाद पता चला था कि उस आदमी की मौत गला घोटकर हुई थी। साथ ही ये भी पता चला था कि ये बॉडी करीब 2000 साल पुरानी है और फिर भी ये बॉडी अच्छी कंडीशन में थी। उस आदमी की स्किन, हेयर और बाकी सारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही वेल प्रिजर्व थे। ये लिंडो मैन आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में प्रिजर्व करके डिस्प्ले किया हुआ है।